नगर निगम में लूट में। भाई गिर गए थे छोटा वाला, बारिश से गिरे, बारिश से पूरा नाला भर गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय टुडे और मैं हूँ संगम सिंह राव। अभी बेगूसराय नगर निगम के वार्ड 39 में मैं अभी आई हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ की नाली की स्थिति क्या है और इस नाले में दिन प्रतिदिन घटनाएं होती रहती हैं। बेगूसराय नगर निगम के वार्ड 39 में जहाँ लोग नाले से परेशान हैं, यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि रोड पर नाला बना हुआ है लेकिन ढक्कन नहीं लगा हुआ है। अभी आप देख सकते हैं इस नाले की क्या स्थिति है। इस नाले में दिन प्रतिदिन दुर्घटनाएं होते रहती है। यहाँ के पब्लिक से पूछताछ करती हूँ कि इस नाले से उनको क्या क्या परेशानी होती है। बताइए मैम, आपको नाले से क्या क्या परेशानी? क्या होता, बच्चा बुतरू यहाँ पर गिर जाता है, उसको परेशानी निकालने में रहता है। ठंड के मौसम है, और क्या वार्ड कमिश्नर को कहते हैं तो सुनबे नहीं करता है। वो कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कोई हेल्प नहीं दिए, कोई हेल्प नहीं दिए हम लोग का। चलिए मैं यहाँ के और पब्लिक से पूछती हूँ इस नाले की क्या स्थिति है। नाले की स्थिति मैडम, शुरू से वार्ड कमिश्नर जो है कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल देख ही रहे, दिखा ही रहे हैं कि क्या हाल है। बहुत बुरा हाल है। और इधर इधर जो दृश्य बन गया है, इसका भी रात देखिए मुआयना कीजिए मैडम। एक डेढ़ साल पहले बना है और उसका भी हाल बहुत बहुत खस्ता है, बहुत खस्ता हाल है। आपने शिकायत क्या है सर? वार्ड कमिश्नर से मिलके बोलते रहते हैं लेकिन व्यवस्था जो है वो देख ही रहे हैं कि बहुत बुरा व्यवस्था है। रीम हॉस्पिटल उसका जिला में एक स्थान है, उसका भी कोई तिथि नहीं है। पेशेंट लोग आते हैं, बहुत बुरा हाल है। कभी कभी तो मतलब वही मेन रोड पर ही उतर जाते हैं, इतना बुरा हाल है। नीचे से व्यवस्था तो एकदम बिल्कुल ख़राब है नाला का, और काफ़ी परेशानी होता है। जहाँ था सब फंस गया है, चलने में कठिनाई है, वर्षा हो जाती है तो और परेशानी लोगों को हो जाती है। आज सेवरेज है सो किया जा रहा है और जल्दी है उसका व्यवस्था कर दिया जाएगा, लेकिन उसका तो अभी साल से ऊपर हो गया है, कुछ नहीं हो रहा है, जैसे कि तैसे पड़ा हुआ है। लोग परेशानी झेल करके आते हैं जाते हैं, व्यवस्था जल्दी होता तो वार्ड कमिश्नर से आता है बराबर, लेकिन वो कुछ शिकायत नहीं होती। हाँ हाँ, शिकायत होता है, होगा सर, ध्यान नहीं दिया जाता है, ध्यान नहीं रहता है। हाँ, उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया जाता है। चलिए मैं एक रिक्शा चालक से पूछती हूँ जो कि अभी यहाँ जस्ट यहाँ से भी गुजर रहे थे, इनका क्या कहना, क्या क्या परेशानी होता है नाले को लेकर जाने आने में। तो सर बताइए क्या क्या परेशानी आता होता है आपको नाले में ले जाने। परेशानी ये होता है कि हम पांच सवारी बैठाते हैं तो हमको डर लगता है कहीं रिक्शा पलट न जाए, और आगे टूटा हुआ रास्ता है, हम बहुत दिक्कत से जाते हैं और बहुत कष्ट से आते हैं, यही परेशानी है। और इस सब पर ध्यान वार्ड कमिश्नर नहीं दे रहे हैं। यहाँ से वहाँ तक तो अपने लोग सब पब्लिक जितना है यहाँ लोकल विक्रम प्रसाद पारी भी हम लोग सब मिल करके यहाँ ही नाला जो है उसको मरम्मत कर रहा है। उसके बाद यहाँ उधर तक जो है ना सब ऐसे रहा। वार्ड कमिश्नर जो है मंजूदेव गुप्ता, उनके हस्बैंड जो है प्रेमनाथ गुप्ता, वही बनवाए हैं, वही रोड का गति जो है ना खराब कर रहा है। मैं नगर निगम सुनता है, नए वार्ड कमिश्नर कोई हाँ, अप्लीकेशन सब पड़ा हुआ जो भी यहाँ है। वो पोस्ट ऑफिस के ठीक सामने वाला गली है, उसका भी दिया हुआ है। मैंने सी ओ साहब सुनते हैं, मैं नगर निगम कोई सुनबे नहीं करता, कहीं कोई नहीं। अतिक्रमण जो है ना सब जगह किए हुए हैं, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर खाली रोज दिन पेपर निकलता है, लोग मैंने शिकायत किया हुआ है, पड़ा हुआ है फाइल में, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं, कोई नहीं सुनने वाला। यहाँ से गाड़ी निकलता है आए दिन, ये सब जो रोड नाला का रोड टूटा हुआ है इसमें गाड़ी फंस जाता है, बाद में सब जो है हम लोग को यहाँ से स्टाफ को लेके जाना पड़ता है, बेचारा गाड़ी वाला को मदद करना पड़ता है, इसका तो मरम्मत बहुत ज़रूरी है। ये आगे जो यहाँ दिख रहा है इधर देखे, उधर दिखाई ना, उधर जो है वहाँ पर जो है नाला देखे जाके, एक मतलब अगर एक बाइक और एक इधर से बाइक जाएगा तो एक बाइक नाला में जाएगा, स्थिति आज से नहीं लगभग 2 साल से इसी तरह पड़ा हुआ है, कभी बनता है
हम लोग पिछले बार अपने से इसको अथी करवा के ये सब जो नया वाला देख रहे हैं यहाँ आगे ये सब अपने से ढलवा के इसको लगवाए, उससे भी आता है गाड़ी टूट जाता है, ठीक से रोड सही नहीं है, जहाँ दबाव पड़ता है टूट जाता है, वहाँ 3 इंच डाला जाता है, 10 mm का जगह रोड 8 mm दिया जाता है। नगर निगम में लूट है, नगर निगम में जो है लूट है, वार्ड अलग लूट रहा है, इधर अलग लूट रहा है, वहाँ पर अलग लूट रहा है, सब लूटने के लिए बैठा हुआ। उनचालीस 42 सब वार्ड का यही हाल है।